अच्छा, चक्रास के बारे में तो सबने सुना है, कितने चक्रा होते हैं, कितने होते हैं? यस, सेवन, सेवन 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 चक्र। है ना। हम लामा फेरा हो या कोई भी हो मोडेलिटी, उसमें इन जनरल हम सेवन चक्रास को के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पर हम हम एक और चक्रा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं गुरु चक्रा। इसमें यहाँ पर दो गुरु चक्रास होते हैं, तो टोटल इन ऑल कितने हो गए? नौ। तो हुंकारा विथली में हम नौ चक्रास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेवन चक्रास कौन से होते हैं हमारे? रूट चक्रा, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन, ठीक है। इसके अलावा दो चक्रास और ऐड हो जाते हैं, जिनको दो गुरु चक्रास कहा जाता है, जो है भ्रिकुटी और त्रिकुटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्रास है। ये जो चक्रास होते हैं, ये हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करने में काम आते हैं। ये किस तरह से प्लेस होते हैं, किस तरह से इनका यूज होता है, ये कोर्स में कंप्लीट आता है, बहुत डिटेल में आता है। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि होता क्या है। अच्छा, आप लोगों ने सबने नाड़ियों के बारे में भी सुना है। आपको स्क्रीन मेरा क्लियर दिख रहा है? कुछ छोटा बड़ा तो नहीं दिख रहा? और क्लियरिटी अभी? मैम पहले ठीक था। मैम पहले ठीक था। ये ठीक है? यस यस मैम, मैम, ये ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है मैडम, ठीक। चलिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, कई बार मैं अपनी क्लास में डिस्कस करती हूँ और बताती भी हूँ। आप लोग डॉक्टर्स के यहाँ जाते हो, ठीक है। डॉक्टर्स जो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसमें कभी लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर जो सिंबल होता है, उसको ध्यान से देखा है? क्या होता है वो? स्नेक यस मैम, स्नेक जैसी वेव्स जैसे बने जो होते हैं होती है, मैम, वेव्स दो ऐसे, जो, है ना, यस कॉइल मैम, स्नेक जैसा होता है, और ऊपर स्नेक का मुंह दिखाते हैं बकायदा, और वो इस तरह से अपने आपके पांच वो एग्जैक्टली। रहते हैं, पांच के ऊपर जाके वो ऐसा बंद हो जाता है। वो क्या है? वो सुषमा नाड़ी, आपकी, वो आपकी ईडा और पिंगला नाड़ीज है, ठीक हाँ है। तो बेसिकली साइंस भी ये मानता है कि जो आपके अंदर नाड़ीज हैं, ईडा और पिंगला जिसको कहा जाता है, वो जब बैलेंस होती हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया जाता है। आपकी बॉडी में नाड़ियों को बैलेंस करने का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। आप क्लियर? तो जब साइंस भी यस इतना करने के बाद भी, नकारने के बाद भी इन चीजों को मानता है, तो आप सोचिए इनमें कितनी ताकत होगी। हमारे वेदों में इन चीजों का वर्णन है, हमारे शरीर के अंदर है ये। और एक बार अगर हम इन चीजों को समझ गए, तो आप सोचिए कि हम अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं या नहीं, बिना दवाई खाए, अपनी इच्छा शक्ति से अपनी नाड़ियों को बैलेंस किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि शरीर तो आपका है ना, आप जो चाहोगे आपके शरीर के साथ होगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, बिकॉज इट इज योर बॉडी, आपके ऑर्गन्स है। अब अगर आज मैं ये चश्मा पहन रही हूँ, ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें जेनेटिक हो, ठीक है। सेवाली जी म्यूट कीजिए, रामजी देसाई जी प्लीज म्यूट कीजिए, बट मैं यहाँ से नहीं कर पा रही। एक मिनट, आई जस्ट चेक। मैम, हाँ, हो गया, सॉरी। तो ये सब जो चीजें होती है हमारे शरीर के अंदर होती हैं, हमें समझ आता है, कहीं दर्द होता है तो हमें पता चलता है ना, कि हमें यहाँ इस जगह पे दर्द हो रहा है। लेकिन उस वक्त आपके अंदर और क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है, वो हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की।
ये जो प्रोसेसेस हैं ये हमें हमारी नाड़ियां बताती हैं, ठीक है। अब कैसे होता है ये थोड़ा सा समझेंगे, ताकि हमें वो चक्रा समझने में इजी हो जिसको हम गुरु चक्रास बोलते हैं, ठीक। अब आपकी जो नाड़ी होती, सॉरी, ईडा और पिंगला और सुषुम्ना जो कही जाती है, सुषुम्ना सीधी होती है लंबी रीढ़ की हड्डी में, पूरा ऐसे जो फिजिकल बॉडी है हमारी, गर्दन से लेकर हमारी टेल बोन, नीचे जहां हम बैठते हैं वहां पर हमारी सुषुम्ना होती है रीढ़ की हड्डी के साथ, ओके। ईडा और पिंगला नीचे बैठी होती हैं, कैसे, जैसे सांप कुंडली नहीं मार के बैठता है ना नीचे, उस तरह से ईडा और पिंगला होती हैं, और वो 3½ सर्कल में बैठी होती है। ये इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा कि किस तरह से होती है, ठीक है। क्योंकि कई सिंबल्स ऐसे होते हैं वो 3½ या 3.5 सर्कल्स लेने होते हैं, या 3.5 टाइम्स, उनकी कुछ संरचना ऐसी होती है, उनका सिंबॉलिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो 3.5 को इंडिकेट करता है। तो आप अपने आप ही समझ जाइए, 3.5 जहां आया है वो आपकी कुंडलिनी की बात हो रही है, ओके। तो जब ईडा और पिंगला नीचे से रूट चक्रा से जब शुरू होती हैं आपकी बॉडी में, तो वो आपके सारे चक्रास को क्रिस क्रॉस करते हुए अजना पे आके रुक जाते। ये देखिए यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है, लेकिन ये इस तरह से चलती हैं क्रॉस वेव में, और इस तरह से आके आपकी अजना, ये जो 6 नंबर लिखा है, यहाँ पर आके रुक जाती। अब कैसे होता है ये समझिए, जो ईड़ा है वो चंद्र नाड़ी होती है, जो पिंगला है वो सूर्य नाड़ी होती है। आप इसको ब्लू और येलो से भी याद रख सकते हैं। जो ईड़ा है, जो चंद्र नाड़ी है, वो लेफ्ट, आपका जो सांस लेते हो ना आप नोस्टल, वो लेफ्ट, ये हो यहां से सांस आती है उसकी, चंद्र नाड़ी इसे कहा जाता है। राइट जो है वो आपकी पिंगला है, दैट इज योर सूर्य, ओके। और जो जब ये दोनों जाके थर्ड आई पे मिलती हैं, आप देखो जितने भी मेडिटेशंस होते हैं तब क्या कहा जाता है कि थर्ड आई पे ध्यान लगाया जाए, क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बैलेंसिंग का पॉइंट है, अल्टीमेट बैलेंसिंग पॉइंट आपका थर्ड आई होता है। आपके अंदर मेल फीमेल शक्तियां जो भी हैं वो सब वहीं पर बैलेंस होती है, ओके। अब क्या होता है कि जब आपका, यहां तक तो चलो ईडा पिंगला हो गई, नाड़ियां हो गई, आपके चक्र आपको समझ आ गए, अब इसके ऊपर हम क्या बोलते हैं, क्राउन चक्र। तो जो क्राउन चक्रा है उससे कहाँ कनेक्टिविटी है नाड़ी से, कोई है क्या, जब ये यहाँ पे खत्म हो गई तो हमारे क्राउन चक्रा को तो कवर ही नहीं किया उसने, तो अब क्या होगा, कैसे होगा, इससे यहाँ पर आते हैं हमारी गुरु चक्रास, जो हमारे थर्ड आई और क्राउन चक्रा को कनेक्ट करते, तो वो डिवाइन चक्रास। इसलिए इन जनरल हम उसको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हुंकारा विथलीम में आपको ये चक्रास के बारे में, ये चक्रा के बारे में और इस नाड़ियों के बारे में बताया जाए। इंटरेस्टिंग, यस मैम, यस यस मैम। मैम। अब क्या होता है, और थोड़ा पढ़े इसके बारे में, क्योंकि यस कुंडली मैम, यस जो, जो मैम आप बताइए बताइए सर मैम। हाँ जी, थोड़ा सा और हम इसको डिटेलिंग कर, ये देखिए ये पिक्चर में आपको क्रिस क्रॉस पूरा दिखेगा, इसको बड़ा करूं आप लोगों के लिए, ये प्लीज ये नोट अनोशंस बंद कीजिए जो भी कर रहा है। यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑन माई स्क्रीन, प्लीज मेरी स्क्रीन पे तो मत लिखो। ये देखो अभी क्लियर है, यस मैम, ऐसा ही कुछ साइन होता है ना हमारे प्रिस्क्रिप्शंस पे, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस पे जो डॉक्टर हमें देते हैं, दवाई का पर्चा बीच का,
ये मेल और फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, पूरा कंप्लीट बैलेंसिंग इज ईडा। अब आती है इसमें प्लेसमेंट्स की बातें। अब देखिएगा ध्यान से किस तरह से हमारी बॉडी में प्लेस होती है। देखिए सबको पता है रूट चक्रा मतलब रूट में होगा, जहां पर आप बैठते हो वो आपका रूट होता है, जहां पर सीट पे जो आपके नीचे का टच होता है दैट इज योर रूट चक्र, थोड़ा सा ठीक है। जब हम इसकी मेडिटेशन करते हैं तो आपको वहां पर वाइब्रेशंस होती हैं, अपने अपने हिसाब से सबको होती है। ओके अब इसके ऊपर आता है आपका स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको हम सेक्रल चक्र भी कहते हैं। अच्छा मैं चलिए कलर्स और वो भी बता देती हूँ इसके साथ साथ आपको। रूट चक्रा होता है हमारे सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल लग्जरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम फाइनेंसिस को आप लिख सकते हो कि रूट चक्रा फाइनेंसिस सर्वाइवल एंड आपका लग्जरी, इन सब चीजों को डिनोट करता है, ठीक है। और कहा जाता है कि गणेश जी का स्थान हमारे शरीर में यही है, इसीलिए गणेश जी की जो पूजा की जाती है सबसे पहले उनको हाथ जोड़ा जाता है, वो यहीं पर जोड़ा दे, उनका रंग भी लाल दिखाया जाता है, लाल रंग का फूल चढ़ाया जाता है। गणेश जी की पूजा जनरली आप रेड कलर से ही करते हो ना, सिंदूर भी लाल चढ़ाएंगे, फूल भी आप लाल ही चढ़ाते हो, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आता है स्वाधिष्ठान, जिसको सेक्रल बोलते हैं, जो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ये किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है ये लिख लीजिए, समझ लीजिए। सेक्रल चक्रा है आपका बैलेंसिंग, आपकी क्रिएटिविटी, सबसे पहले तो आप इसको क्रिएटिविटी में डाल, आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन सब यही होते हैं, है ना। फिर सेक्स चक्र भी इधर ही होता है, इसी के नीचे आपका हैप्पीनेस यहीं से आता है, प्लेजर्स यहीं से आते हैं। ओके अब इसके ऊपर आता है आपका, आता है सोलर प्लेक्सस, जो येलो कलर का होता है, जो नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। अच्छा सेक्रल चक्रा नाभि से 2 इंच नीचे होता है, ठीक है। और जो सोलर प्लेक्सस होता है वो नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, येलो कलर का होता है। ये आपके विल पावर और कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। सबने सुना है ना जठर अग्नि, वो यही होती है। आपका डाइजेशन, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेट की, जिनको हम कहते हैं, वो सब यही होती है। ये आपके पैनक्रियाज को भी देखता है, आपके स्टमक को देखता है, आपकी स्प्लीन को देखता है। ओके अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट थी सेक्रल चक्र में, आपकी किडनीज को सेक्रल चक्र देखता है, ये ध्यान रखिए। फाइन अब इसके ऊपर आता है आपका हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस से ऊपर। हार्ट चक्र ग्रीन कलर का होता है, जो आपके प्यार, आपकी एम्पथी मतलब दूसरों के प्रति सद्भावना जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो इन सब चीजों को देखता है। उसके ऊपर है थ्रोट, जो कम्युनिकेशन का कारक है। आप जो भी बोलते हो, सच झूठ, आपके थॉट प्रोसेस, वो सब यहीं से होते हैं, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके सेक्रल चक्रा से है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी की कमी आ रही है तो आप सबसे पहले आपका बोलना बंद होता है। ठीक है इसके ऊपर आता है अजना चक्र, जो इंक ब्लू कलर का है,
और ये जो चक्रा होता है ये आपके इंसाइट्स का चक्रा होता है, इंट्यूशंस का चक्रा होता है। ओके इससे ऊपर आता है आपका, दो आते हैं गुरु चक्रास जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो आपको कनेक्ट करते हैं आपके क्राउन चक्र से और स्पिरिचुअलिटी से। अब इसके ऊपर है क्राउन चक्र, जो डिवाइन चक्र कहा जाता है, जिसको जो अटैच होता है आपके ब्रह्म से, आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको इंसाइट्स, वो सब वहीं से, सब कुछ डिवाइन पावर्स जो है वो वहीं से आपके अंदर आते। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को आई होप सो सबको क्लियर है कुछ क्वेश्चन।